नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और जेपीएससी ने एक रिवाइज्ड कैलेंडर अपना प्रकाशित कर दिया देर रात को 23 अक्टूबर को, और इसमें जानकारी दिया है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी की परीक्षा वो ले लेगा। ये अपने आप में क्वेश्चन के साथ ही एक बड़ा सा आंसर के पहले ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और एक डेट भी प्रकाशित कर दिया गया है। उम्मीद तो है कि चलो ले लेगा, और अगर ले लेता है तो स्टूडेंट्स के हित में होगा, लेकिन पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए नहीं लगता है कि जेपीएससी टेंटेटिव डेट जो बताती है, इसका अर्थ होता है कि वह फिक्स नहीं है, डेट आगे भी बढ़ सकता है। बहरहाल आपको ये मान करके चलना है कि जेपीएससी इस बार बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है, और बार बार जो हमने आवाज उठाई थी, लोगों ने आवाज उठाया था कि एक कैलेंडर प्रकाशित करके नियमावली बनाए, लेकिन बीच में चेंजिंग नहीं करे। जेपीएससी ने 12 जनवरी 2020 को पीटी लेने का अनाउंसमेंट करके सबको चौंका दिया है। वहीं छठी जेपीएससी वाला मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है, लेकिन जो 34,000 बच्चों का रिजल्ट रिजेक्ट हो गया, इसके बाद जेपीएससी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। झारखंड अब तक न्यूज का ये सवाल है कि क्या इस वक्त जेपीएससी अपने आप का डैमेज कंट्रोल कर रही है, क्या लोगों के बीच अच्छा छवि बनाने के लिए आनन फानन में एक रिवाइज्ड कैलेंडर प्रकाशित कर दिया गया है। कितने लोगों को ऐसा भरोसा है कि 12 जनवरी 2020 को 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा हो जाएगी। अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा जेपीएससी का, क्योंकि पुराना सभी रिकॉर्ड को आप देखें तो एक डेट में एग्जाम नहीं हो पाया है। इसलिए जेपीएससी सारे कैलेंडर के बाद ये लिख देती है कि ये टेंटेटिव होगा। टेंटेटिव का अर्थ हुआ कि वह आगे बढ़ सकता है, इनफेक्ट बढ़ेगा ही, ये भी तय होता है, लेकिन ये टेंटेटिव लिखा जाता है। फिर भी आज हम बताएंगे कि ये अगर परीक्षा होती है तो उसकी तैयारी आप कैसे कर लेंगे, मेंस एग्जाम अगर होता है तो उसकी तैयारी कैसे कर लेंगे, इंटरव्यू होता है तो कैसे कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 21 से 24 मार्च 2020 के बीच में जेपीएससी जो है वो लेकर के आ रही है मेंस परीक्षा को। 2020 में मेंस हो जाएगा, यानी कि यूपीएससी के मॉडल को अपनाने की कोशिश की गई है। यहां पर आप देखें 12 जनवरी 2020 को पीटी परीक्षा होगी और मार्च महीने में ही हो जा रहा है मेंस, यानी कि सिर्फ 2 महीने के अंदर इतना जल्दी परीक्षा तो आईएएस का भी नहीं होता है, यानी कि यूपीएससी की पीटी अगर जून में होती है तो इसके बाद ये एग्जाम का मेंस अक्टूबर नवंबर में होता है। तो आप समझ लीजिए कि इतना फास्ट अपने आप को सुधार किया है जेपीएससी कि वो मार्च में ले लेगा। ऐसे कई डेट आए हैं और गए हैं, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि न्यूज बनाने वाले भी इस मामले को बहुत हल्का में ले रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर ऐसा ही होता है। अब देखिए 15 से 30 जून को इंटरव्यू का भी डेट आ गया, मतलब कितना अच्छा प्लानिंग है। अगर ये प्लानिंग को वाकई में सफलतापूर्वक कर दिया जाए तो क्या कहना, फिर तो स्टूडेंट्स की बाँछें खिल जाएंगी, और सही बात है, क्यों ना खिले। जिस राज्य में अभी तक 19 में से 5 परीक्षा हो पाया है, 5ों में जांच है, छठी का था पता नहीं है, वहां 7वीं, 8वीं और 9वीं परीक्षा का अनाउंसमेंट हो जाए तो कम से कम स्टूडेंट तैयारी करने में बिजी तो हो जाएंगे। जो लोग सरकार को या जेपीएससी को कोसते रहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि तैयारी करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या ये अकाउंटेबल होना चाहिए। झारखंड अब तक न्यूज का ये सवाल है और आपका कमेंट का इंतजार है कि क्या इस सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, क्या जेपीएससी अगर 12 जनवरी को पीटी नहीं लेती है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए, अगर वो मेंस सही समय पर नहीं लेती है तो जुर्माना लगाना चाहिए, और इलेक्शन नजदीक है तो फिर फॉर्म कब भरवाया जाएगा, क्या इलेक्शन के बाद भरवाया जाएगा, ये डेट आगे बढ़ जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पुरानी जो कैलेंडर थी उसमें जो नवंबर में छठी सिविल सेवा वाली इंटरव्यू की डेट थी वो तो आगे बढ़ी गया, जैसा आप जानते होंगे जनवरी में हो गया, उसके लिए हम अलग से वीडियो बताएंगे। इसके अलावा जेपीएससी का जो पीटी होगा सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा था वैसे ही है। पीटी में झारखंड का एक पेपर होगा और एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। दोनों के लिए बहुत से लोगों ने मैसेज कर रखा है हमारे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप 9431156794 पर, किसी तैयारी कैसे करें।
इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़नी चाहिए और झारखंड सरकार की पुस्तकों को अगर आप अध्ययन करेंगे, झारखंड सरकार की वेबसाइट को देखेंगे तो तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। फिर भी जो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके करेंगे, वो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर खुले हैं वहां पर जाकर के वो निःशुल्क करियर परामर्श ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो गरीब छात्र हैं, प्रतिभावान छात्र हैं, उनके पास अगर कार्ड हो उसकी आप सपोर्ट वहां पर दें और स्थानीय विधायक या वहां के मुखिया जो आपके गांव के हैं उनकी चिट्ठी के साथ आप हमारे सेंटर पे जाएंगे तो आपका निःशुल्क क्लासेज वहां शुरू हो जाएगा। हर शहर में और हर प्रखंड में हमारी संस्था खुल चुकी है। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप मेंस की तैयारी पहले शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप पीटी की तैयारी सिर्फ करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। झारखंड का जो मेंस होगा जेपीएससी का, इसमें भी चार पेपर को रखा गया है, जैसे जनरल स्टडी वाला था जीएस 1, 2, 3, 4 और ऑलमोस्ट वही सिलेबस है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है जो यूपीएससी के पैटर्न पर आता है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले पेपर पर है, दूसरे में इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटी है, तीसरे में इकोनॉमिक्स है, चौथे पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और सभी के साथ झारखंड का स्पेशल नॉलेज चाहिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जरूर से देख लीजिएगा। ये परिवर्तन इंपॉर्टेंट होता है और इस तैयारी के साथ अभी से चलेंगे। साथ में एक लैंग्वेज पेपर लेना है जो पिछले ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन लेखन शैली जरूर विकसित कीजिएगा और इसके लिए आप प्रभात खबर के एडिटोरियल कॉलम को अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा लाभ होगा आपको, और उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं उससे भी आप सरोकार करके पढ़ेंगे। हाल के दिनों में प्रभात खबर के प्रधान संपादक जो है आशुतोष चतुर्वेदी जी से हमने स्वयं मुलाकात की थी और उन्होंने बताया था कि जेपीएससी को टारगेट लेकर के जो बच्चे चल रहे हैं वो अगर प्रभात खबर के आर्टिकल्स को पढ़ें, हिंदी माध्यम वाले खास करके, तो उनको काफी लाभ होगा। उस इंटरव्यू की भी क्लिपिंग आप देखेंगे इसी अंक में साथ में, और प्रभात खबर के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको लाभ काफी हो पाएगा। हमारे साथ लेकिन आप जुड़े रहिएगा, जेपीएससी से जुड़ी हुई। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ में इस समय में प्रभात खबर, झारखंड का नंबर वन अखबार, राष्ट्रीय अखबार, उसके मुख्य प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी जी हैं। शिक्षा को लेकर स्टूडेंट के दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं, हमको आईएएस करना है, जेपीएससी करना है, जेएसएससी करना है, लेकिन पढ़े तो क्या पढ़े, क्या सिर्फ स्थानीय खबर को पढ़ना चाहिए या राष्ट्रीय खबर को पढ़ना चाहिए, किस अखबार को पढ़े, क्या कॉलम पढ़े, सभी चीजों पर बात करेंगे। चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपसे सवाल पूछेंगे कि जो आप जो प्रभात खबर का जो राष्ट्रीय स्तर पर नाम है, अगर स्टूडेंट्स जो युवा तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस अखबार से हम तैयारी करके क्वालिफाई करें, किस कॉलम को पढ़ने से उनके लिए बेहतर होगा? देखिए, मेरा तो सुझाव ये है कि हर एक कंपटीशन में जो भी प्रतियोगी परीक्षा में छात्र बैठ रहे हैं उन्हें पूरा अखबार पढ़ना चाहिए जी। उसमें खासकर हम ये बताना चाहेंगे कि प्रभात खबर में इस दृष्टिकोण से भी बहुत सारी सामग्री दी जाती है कि केवल छात्र ही नहीं, आम नागरिक भी सारी सूचनाएं देश विदेश की उसको उपलब्ध रहे जी। हमारे विशेष पेज हैं बहुत सारे जिनमें इस तरह की सामग्री उपलब्ध रहती है जी। मिसाल के तौर पे एक देश विदेश का पेज है जिसमें देश और दुनिया की जो महत्वपूर्ण सारी खबरें हैं वो एक साथ उपलब्ध रहती है। इसके अलावा कारोबार का है, बिजनेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हमारे प्रतियोगी जो छात्र हैं विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी ये कारोबार में क्या चल रहा है, इंफोसिस कैसी चल रही है, टाटा मोटर्स कैसा चल रहा है, पंडी चल रही है। लेखन शैली जैसे सर होता क्या है कि जेपीएससी या आईएएस के जो बच्चे परीक्षा लिख रहे हैं तो लेखन शैली बहुत मायने रखता है, अखबार पढ़ने से, एडिटोरियल पढ़ने से आपको लगता है कि लेखन शैली बदलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से, अखबार से भाषा समृद्ध होती है, विचार कैसे व्यक्त किए जाते हैं इसका भी आपको पता लगता है। हमारे संपादकीय पेज और उसके सामने जो ओपेड पेज होता है उसमें इस तरह की बहुत सारी सामग्री दी होती है। संपादकीय पेज पे बहुत सारे विशेषज्ञ लिखते हैं, मैं खुद भी लिखता हूँ, हर सोमवार को एक कॉलम लिखता हूँ कुछ एक करंट अफेयर्स पर। इसके अलावा हमारे पास इन डेप्थ और इन दिनों जैसे कई सारे इस तरह के पेज हैं जिन पे उस दौर में उस समय क्या चल रहा है देश दुनिया में। समय थोड़ा बदला है, जैसे बच्चे आज डिजिटल हो रहे हैं, क्या अखबार या पुस्तक दो चीजों की हम बात करेंगे, जिस प्रकार से लोग पढ़ते थे या आपने जिस समय में पढ़ा होगा लाइन करके पढ़ा होगा वो पढ़ाई, अखबार को अपने हाथ से पलट करके पढ़ना और जब हम उसको नेट पर पढ़ लेते हैं,
क्या दोनों में कोई अंतर है या एक ही चीज है? देखिए, सामग्री का केवल एक फॉर्मेट बदल गया है, तकनीक ने सामग्री को पेश करने का एक तरीका बदल दिया। अखबार भी है, अब अखबार जो है ई पेपर पे भी उपलब्ध है, प्रभात खबर ई पेपर पे भी उपलब्ध है और लाखों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग जो है उसको ई पेपर के माध्यम से भी पढ़ते हैं। और वैसा भी पाठक वर्ग है जो फिजिकल और उसको अखबार के बतौर भी उसको पढ़ता, लगातार पढ़ रहा। तो सामग्री का एक पेश करने का तरीका बदल गया है। व्हाट्सएप से लोग सूचनाएं बहुत सारी लेते हैं, लेकिन एक मैं सुझाव देना चाहूंगा कि देखिए, अभी भी अखबार सब जानकारी के सबसे प्रामाणिक स्रोत है। बहुत बार खबरों को लेकर मैं खासकर कहना चाहूंगा कि बहुत सारी जो फेक मीडिया, एक फेक न्यूज का एक दौर भी इसके साथ में चल रहा है, तो उसमें सारे छात्रों को भी मैं सुझाव देना चाहूंगा कि वो सावधानी बरतें। अभी भी सूचनाओं का सबसे प्रामाणिक स्रोत जो है वो अखबार ही है। जी, जैसे जो आपके यहाँ पर जो लेखक का चयन करते हैं, तो ये क्या ये भी दिमाग में रहता है कि सामग्री को आईएएस के जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं, जो दिल्ली इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, रांची में हैं, और जो जेपीएससी को फोकस किए हैं, तो क्या ये लेखक का चयन करते समय सिर्फ पॉलिटिकल चीजों को आप देखते हैं या फिर ये भी ध्यान रखते हैं? देखिए, सूचना और खबर जो है वो चाहे वो विदेश की हो, देश की हो, राजनीति की हो, बॉलीवुड की हो, अर्थव्यवस्था की हो, खबर जो है वो खबर है, वो किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। अब मुझे लगता है कि जो खासकर आईएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक विषय ब्रेक्सिट का बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। पूरे यूरोप में उथल पुथल मची हुई है कि किस तरह से ब्रिटेन अलग होगा, इसको लेकर कितनी खींचातानी चल रही है। इसकी जानकारी मुझे लगता है कि जो भी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने संपादकीय पेज पर एक लेख विशेष रूप से इसका छापा, ये एक चर्चा में है, विदेश का बड़ा महत्वपूर्ण है।